हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 के दोनों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपको फिगर गिवन है। इन द फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, जो ये आपका ए सी है ये ए ई के इक्वल है, एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, एंड एंगल बी ए डी, दिस वन इज बी ए डी, ये आपका एंगल है, एंड ई ए सी, ई ए सी, दिस वन इज योर एंगल, राइट। शो दैट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, जो आपका बी सी है वो डी ई के इक्वल है, ये हमें शो करना है। ऑब्वियसली मुझे कोई दो ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिनसे मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर सकूं। ठीक है, अगर मैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूं बाय सीपीसीटी, मेरा ये काम हो जाएगा। बिकॉज देखिए, ना तो ये आपस में पैरेलल हैं, ना ही कोई रेक्टेंगल बना रही हैं, ये दो अलग अलग साइड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स की हैं, तो उसी अकॉर्डिंग सबसे पहले इट इज गिवन दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ओके, एंड बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब देखते हैं कि ये मैंने कैसे लिखा है, ओके। बी ए डी, दिस वन इज बी ए डी, ओके, यानी कि ये है आपके पास, ठीक है, प्लस एंगल डी ए सी, डी ए सी, यानी ये पूरा हो गया एक तरीके से, लाइक दिस, यहाँ तक हो जाएगा। आफ्टर दैट ई ए सी, ई ए सी, ये वाला, ओके, एंड डी ए सी, डी ए सी, इट मीन्स दिस वन, यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल, ठीक है, और एक ये एंगल, ये हमारे पास इक्वल कैसे हैं, देखिए हमने एग्जियोम किया हुआ है, इक्विलेट एग्जियोम, वेन एवर वी एड और सब्ट्रैक्ट दी सेम टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स इट विल बी इक्वल। देखिए हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन था कि जो बी ए डी है, ई ए सी है, वो इक्वल है, मैंने दोनों साइड जो डी ए सी, डी ए सी है उसे ऐड कर दिया, इसका मीनिंग ये है कि जो ये वाला एंगल है और ये एंगल है ये भी क्या होंगे, इक्वल। आई हैव एडेड द इक्वल पोर्शन ऑन बोथ साइड्स। अब जब मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ कंप्लीट, तो ये एंगल मेरे पास कौन सा बन रहा है, बी ए सी, तो वो लिख दीजिए, दैट इज बी ए सी, राइट। और यहाँ पे सिमिलरली जो एंगल मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है, डी ए ई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ए ई। देखिए एक तो ये बन गया, ये कंप्लीट, दूसरा बन गया ये वाला कंप्लीट, मैंने अलग से मार्क कर दिया, एक ये है और दूसरा ये है, राइट। आफ्टर दैट इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, ठीक है, हमने कौन से लिए, बी ए सी ले लिया है और ले लिया है डी ए ई, जो कि हमने ऊपर इक्वल प्रूव किए हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमें गिवन है, दैट इज गिवन टू अस, स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस, ये आपकी दो साइड्स आ गई हैं। एंगल हमने इक्वल प्रूव किया है ए, इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो कौन सा है, ए है, ये वाला, ये, इस एंगल को मैंने प्रूव किया है, ठीक है। एंगल आप यहां इसको बाद में ही लिखिए फिर, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, दैट इज प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया है। और जो ये है आपके पास कौन सा, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये आपको गिवन है, राइट। तो जो ट्रायंगल बी ए सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए ई, हाउ, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड से ये हो रहा है हमारे पास। अब सी पी सी टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई बाय सी पी सी टी,
आपको जो भी प्रूव करना है बस आप ये देख लीजिए कौन से दो ट्रायंगल्स में वो आ रहा है और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए. ओके, आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड बी इज इट्स मिड पॉइंट. ठीक है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है. ठीक है, आपके पास सॉरी यहाँ पे पी होगा, दैट वन इज अ मिड पॉइंट, ये आपके पास मिड पॉइंट है. डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी. आपके पास जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट है वो आपके पास जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के सेम साइड पे यानी कि इस पोर्शन पे हैं, राइट. आफ्टर दैट एंगल बी ए डी, बी ए डी इट मीन्स दिस वन एंड एंगल ए बी ई, ए बी एंड ई इट मीन्स दिस एंगल, ये आपको इक्वल गिवन है, ये वाला और ये वाला. आफ्टर दैट एंगल, दिस वन इज एंगल ई पी ए, ई पी ए यानी ये एंगल, एंड आफ्टर दैट डी पी बी, डी पी बी यानी ये वाला एंगल. एक तरीके से हमें ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है. शो दैट ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी. ठीक है, यानी कि अलग से जो आपके पास ये इस तरीके से कुछ बन रहा है ये वाला, ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो इस तरीके से कुछ बन रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको गिवन क्या क्या है, राइट. इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी, ट्रायंगल ई पी ए प्लस, उसी तरीके से हम दोनों साइड सेम टाइप जो है वो ऐड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एंगल डी पी ई, डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई. हमने दोनों साइड जो आपका ये एंगल है डी पी ई, ये अपर पोर्शन, ये हमने ऐड कर दिया. ठीक है, अब देखिए ई पी, ई पी ए है, ओके, और उस पर मैंने इस एंगल को ऐड किया है, तो ये मेरे पास ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ये वाला. ठीक है, देखिए ये था हमारे पास ये यहाँ से ये वाला पोर्शन, उसमें मैंने जो मेरे पास ये पोर्शन है ये वाला ऐड किया, तो कंप्लीट एंगल तो यही बन जाएगा मेरे पास. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल डी पी ए इज इक्वल्स टू, सिमिलरली मैं यहाँ ऐड करूँगी तो ई पी बी, ये वाला पोर्शन हो जाएगा B, एंड ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू, आपको ट्रायंगल एंगल गिवन है, सॉरी, जो आपके पास डी ए पी है दैट इज इक्वल्स टू ई बी पी. ओके, जो आपके पास ये ट्रायंगल है सॉरी एंगल है ये आपको इक्वल गिवन है. ओके, हाउ इट इज गिवन टू यू, ये आपके पास किस तरीके से गिवन है, देखिए ये एंगल मैं इक्वल निकाल चुकी हूँ, आपको जो एंगल इक्वल गिवन है वो कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी. तो यहाँ पे हमने एंगल ए और एंगल बी लिए हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के विद रिस्पेक्ट में, हाउ, बिकॉज पी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट है. ओके, आफ्टर दैट ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ये हम लिख चुके हैं, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट हेयर. एंगल डी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी, हाउ, अब देखिए आपके पास क्या है, जो एंगल डी पी ए है वो ई पी बी के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, यू राइट हेयर ऑलरेडी प्रूव्ड. ओके, एक एंगल हम प्रूव कर चुके हैं, एक एंगल हमारे पास ये है और एक हमारे पास यहाँ साइड है. ठीक है, एंगल साइड एंगल, सो ट्रायंगल डी ए पी, जो आपके पास ट्रायंगल डी ए पी है दैट इज इक्वल्स टू ट्रायंगल सॉरी कॉन्ग्रुएंट ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल. एंड फ्रॉम हेयर जो आपका ए डी है ये वाला ए डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई के, राइट, बाय सी पी सी टी. ये कैसे होगा, बाय सी पी सी टी, और यही आपको प्रूव करना था. ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन जस्ट आपको यहाँ पर हो सकती है, ये हमने पी के विद रिस्पेक्ट टू इसलिए लिया बिकॉज पी हमारे पास मिड पॉइंट और ये एंगल आपको गिवन भी है. ओके,
In the next video, we will talk about your next question. Thank you so much.